नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम चलेंगे औरंगाबाद। नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव व पंचवटी दर्शन करने के बाद हम पहुँचे नासिक के महामार्ग बस स्टॉप। वहाँ से हमने औरंगाबाद की बस ली। अब हम औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टॉप पहुँच गए हैं। हमें 350 रुपये किराया पर पर्सन पड़ा। यहाँ के 13 नंबर प्लेटफॉर्म से हम वैरुल गांव कृष्णेश्वर मंदिर के लिए बस पकड़ेंगे। अब हम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं। इसका किराया हमें 45 रुपीज़ पर पर्सन हमें पड़ा। यहां मंदिर के ठीक सामने ही काफ़ी गेस्ट हाउस, लॉज व रूम्स अवेलेबल हैं। यहां आप अपनी सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। एसी नॉन एसी दोनों रूम यहां अवेलेबल हैं, जो कि रीज़नेबल प्राइस में यहाँ मिल जाएंगे। शाम हो गई है, आइए मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ अंदर मोबाइल ले जाना मना है। रात्रि के समय मंदिर के गुंबद पर लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। आइए रात्रि भोजन व विश्राम करते हैं। सुबह हो गई है, चलिए 12वें ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के लिए चलते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर वैरुल गांव में स्थित है। हम प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। आइए मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अंदर चलते हैं। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हम मंदिर के गर्भगृह में पहुँच गए हैं। महादेव का दर्शन पा हम धन्य धान हो गए। मन को अलग सी शांति प्राप्त हुई। यहाँ पुरुषों को बिना शर्ट व टी शर्ट में गर्भगृह में दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाता है। गर्भगृह के बाहर निकलने पर मंदिर के शिखर व मध्य में मूर्ति का दर्शन करना है, तथा पीपल का विशाल वृक्ष है, वहाँ भी दर्शन प्राप्त कर हम मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने ही श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर तथा मौनगिरी जी महाराज का मंदिर है, वहाँ भी हमने दर्शन प्राप्त किया। इसके पश्चात मेन रोड पे आकर अल्पाहार लिया तथा फिर हमने ऑटो बुक किया। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर श्री विश्वकर्मा मंदिर तथा 12 ज्योतिर्लिंग शिवालय मंदिर पहुँच विश्वकर्मा भगवान का दर्शन किया। फिर 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन हमने किया। फिर हम मंदिर की तरफ वापस निकले। रास्ते में शिवालय तीर्थ कुंड का दर्शन किया। फिर हम पहुँचे श्री दत्त आश्रम, वहाँ हमने दर्शन प्राप्त किया। वहाँ एक कुंड भी है और वहाँ दत्तात्रेय भगवान का मूर्ति है, जिसको हमने दर्शन किया। इसके पश्चात हम निकले एलोरा गुफा की तरफ। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है एलोरा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मैप में 34 गुफाएं दिखाई गई हैं। फिर हमने एंट्री काउंटर से 40 रुपीज़ पर पर्सन टोकन लिया। फिर हमने टोकन चेक कराकर हम अंदर एंट्री लिए। हम अंदर आ चुके हैं। 34 गुफाओं में हम सबसे पहले पहुँचे 16 नंबर की गुफा, जो कि सबसे प्रसिद्ध और बड़ी गुफा यहाँ पर है। इसी गुफा में भगवान कैलाशनाथ महादेव जी का मंदिर है। अंदर हम पहुँचे कैलाशनाथ मंदिर के पिलर के पास। राइट साइड में ही सीढ़ियों से हमें कैलाशनाथ मंदिर के ऊपर जाना है। हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं और हम ऊपर अब आ चुके हैं। आप ठीक सामने देखेंगे नंदी जी की प्रतिमा है, उसी के जस्ट अपोजिट हमें दिखाई देगा कैलाशनाथ महादेव जी का मंदिर। अब हम अंदर चलेंगे। सामने आप देखेंगे गर्भगृह में कैलाशनाथ भगवान जी की शिवलिंग, उनका हमने दर्शन किया। अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर का नज़ारा आपको मन मोह लेगा। बरसात के समय यहाँ का नज़ारा अद्भुत और अलौकिक रहता है। फिर हम कैलाशनाथ मंदिर से नीचे आ गए हैं। ठीक बगल में भगवान श्री हरि विष्णु जी तथा दुर्गा माता जी की भिन्न भिन्न रूप की कलाकृतियाँ हैं, जिसे देखकर मन अचंभित हो गया। इसी क्रम में और भी भिन्न भिन्न कलाकृतियाँ हैं। अब हम 16 नंबर गुफा से बाहर निकलेंगे। हम बाहर आ गए हैं।
कुछ दूर चलकर 15 नंबर गुफा पे हम पहुँचे। यहाँ हमने दर्शन किया। आगे बढ़कर हम पहुँचे 14 नंबर की गुफा पर। यहाँ पर भी हमने दर्शन किया, जिसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हम पहुँचे 13 नंबर की गुफा पे। यहाँ भी हमने दर्शन किया और अद्भुत नज़ारा देखा। फिर हम पहुँचे 12 नंबर की गुफा पे। हर गुफा पे अभिलेख लिखा हुआ है, आप वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। ये 3 मंजिला बुद्ध इमारत है। फिर हम पहुँचे 11 नंबर की गुफा पर। यहाँ भी हमने अद्भुत नज़ारा देखा। ये 2 मंजिला इमारत है। फिर हम पहुँचे 10 नंबर की गुफा पर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए और दर्शन करते गए। अब हम बुद्ध जी का मंदिर पहुँच गए हैं। ऊपर की कलाकृतियाँ देखकर मन मोह लेगा, मन को आश्चर्य लगेगा। फिर हम पहुँचे 8 नंबर, फिर 7 नंबर की गुफा पर, फिर 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर तथा 1 नंबर की गुफा लगातार क्रम में है। वहाँ हमने दर्शन किया। फिर हम वापस मेन गेट की तरफ पहुँचे। राइट साइड 17 से 34 नंबर की गुफा है। 17 नंबर से 34 नंबर की गुफा कुछ दूरी पे है, इसीलिए बस से जाते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 12 नंबर गुफा तक बुद्ध की गुफा है। फिर 13 नंबर गुफा से लेकर 29 नंबर गुफा तक, जो कि 17 हिंदू गुफाएं हैं, तथा 30 नंबर से लेकर 34 नंबर गुफा तक जैन गुफाएं हैं। फिर हम टोकन जमा कर बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम बाहर आ गए हैं। यहाँ से कुछ दूर चलकर हम पहुँचे श्री लक्ष्मीनायक गणपति मंदिर। यहाँ हमने गणेश जी का दर्शन किया। अब हम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। रास्ते में हमने लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन किया। अब हम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। यहाँ से हम प्रयागराज के लिए वापस होंगे।